किया। आप सभी का धन्यवाद। उसके साथ साथ राजस्थान में लगातार मेरा आना जाना जो है वो लगा रहा। 5 बार तो मैं पिछले 1 महीने में पहुंचा, क्योंकि मैं सीएचए की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने जेल भेज दिया। फिर उसके बाद मैं रीट की लड़ाई लड़ने के लिए आया तो सरकार ने उसका आंदोलन छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं पाली के इंसिडेंट में आया, जितने से मेघवाल की हत्या के उसमें तो मीडिया के साथ ही इस बात को जानते हैं कि सरकार ने मुझे एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। फिर मैं उसके एक और बार आया, लेकिन इस बार मैं चुपचाप आया कि किस तरह पीड़ित परिवार से मिलूं। फिर मैं पीड़ित परिवार से मिला, लेकिन उस दिन भी सरकार ने जबरन मुझे दिल्ली वापस दी। अब जब मैं यहाँ के विषयों पर यहाँ के मीडिया के जरिए यहाँ के जनमानस तक अपनी बात नहीं पहुंचाऊंगा, तो फिर ये जो अन्याय हो रहा है इस पर सरकार खामोशी से जो रुख उख्तियार किया वो करती रहेगी। आज भी मैं आया क्योंकि यहाँ लगातार एट्रोसिटी और एट्रोसिटी से बढ़ के SC ST OBC और माइनॉरिटी के महिलाओं में जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर रोकथाम जरूरी। तो अपनी पिछले 2 महीने के लगभग जो हमने डाटा यहाँ से कलेक्ट किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि हालात क्या है। अभी NCRB की रिपोर्ट आई है जिसमें राजस्थान में 2020 और 21 के जो बीच में 5,310 से और 6,337 बलात्कार के सबसे अधिक मामले जो है राजस्थान में दर्ज हैं। महिलाओं के खिलाफ 40,738 अपराधों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में 2021 में दर्ज किए गए बलात्कारों के मामले में 16.4% की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB के 2021 के डाटा के मुताबिक पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा में राजस्थान का 5वां नंबर। कुछ प्रमुख घटनाएं जो अभी वर्तमान में पिछले 2-3 महीने के अंदर हुई है मैं वो भी आपके सामने रखूं। जैसे उदयपुर में अभी 9 सितंबर को जो घटना हुई जिसमें बड़गांव खंड में आदिवासी युवक प्रकाश बीर के दोनों पैर काटने कुचलने की खुलेआम परवर्तापूर्ण घटना की गई और कार्रवाई के नाम पे थाना पूर्ति जो है आप सबने देखी, मैंने भी दिल्ली बैठ के देखी। अभी अजमेर में 9 सितंबर को पहले जालौर उसके बाद अजमेर में एक दलित समाज के बच्चे की जो है मौत हुई, हत्या हुई, उसकी डेड बॉडी जो है वो खान में पड़ी थी और जो स्कूल स्टाफ था स्कूल बंद करके भाग गया। पाली में जो 17 मार्च 2022 की घटना है जिसमें जितेंद्र मेघवाल जो छोटे भाई से हमारे उसकी हत्या हुई है, उनका परिवार हमारे साथ बैठा, वो भी अपनी बात आपसे रखे उनके बड़े भाई। मैं जब उनके परिवार से मिलने गया वहां के सुशासन प्रशासन ने और वहां यहाँ की सरकार के लोगों ने विश्वास दिलाया था कि हम न्याय करने में 2 तरह का व्यवहार नहीं करते। उस परिवार की हत्या के बावजूद आज तक कोई उचित मुआवजा और जो नौकरी की बात सरकार ने की थी वो नहीं दी है। यहां तक कि सरकार ने लाइसेंस देने की बात की थी सुरक्षा के लिए, बड़े बड़े वादे किए थे, वो लाइसेंस भी नहीं दिए है। इस घटना को आप देखिए, ये मार्च की घटना है, अब तक परिवार को सुरक्षा के लिए लाइसेंस नहीं मिला, नौकरी और मुआवजा तो बहुत दूर की बात है और प्रयास ये किया जा रहा है किस तरह से आरोपी बच जाए। ये सत्ता के सुदर्शन के बिना संभव नहीं है किसी प्रदेश में। आज जो मैं हमारे बीच है वो अपने और जो समस्या फेस कर रहे हैं मीडिया के सामने रखेंगे। फिर 14 अगस्त 2022 को जालौर में जो इंद्र कुमार मेघवाल के साथ हुआ, अब ये बड़ा कमाल, इतनी बड़ी घटना अनटचेबिलिटी की अस्पष्टता की जिसमें पूरी दुनिया में बात होती, अगर वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक जैसा रवैया है ये राजस्थान में काबिले तारीफ है। क्योंकि जहां सरकार के लोग उसको झुटकाने में लग रहे हैं, मैं RSS की
पत्रिका जो इस पे लिख देते हैं झूठा मटका पान, ये इस बात को स्पष्ट करती है कि सब लोग मिलकर जो है, क्योंकि दोनों सरकारों में न्याय जारी हुआ रहा है, तो वो इसको घटना को छिपाने का काम करते हैं, यानी कि पक्ष और विपक्ष मिलकर पीड़ितों की आवाज को दबाने के लिए इसमें लगे हुए हैं। और फिर आरोपियों के पक्ष में पंचायत होना तो राजस्थान में आम बात हो गई, 36 कौम के नाम पे, हम भी भारत में रहते हैं और सभी को जानते हैं हमारा बच्चू संगठन राजस्थान में 36 कौम के नाम पे अपराधियों के परिवार के लोगों के जाति के लोग पंचायत कर करके जिस तरह से परिवार को डराने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चयन है एक आवाज भी नहीं उठा पा रहे, तो जो दलितों की आवाज नहीं उठा सकते, आदिवासियों को पिछड़ों के लोगों की आवाज नहीं उठा सकते, महिलाओं की आवाज नहीं उठा सकते, वो भी मुख्यमंत्री दिल्ली में जाके बात करते हैं कि भाई कानून व्यवस्था लोकतंत्र कैसे हो रही। अलवर थाना गाड़ी में जो घटना हुई थी जिसमें पति के सामने 19 वर्ष से दलित महिला के साथ अन्याय हुआ, वो पहली घटना थी, उसी के बाद सरकार को चेत जाना चाहिए था कि हमें इन पर रोकथाम लगानी है, जबकि रोकथाम ना लगाने की बजाय उसके बाद जो घटनाएं हुई वो ये साबित करते हैं कानून व्यवस्था में राजस्थान सरकार फेल। अलवर के थाना गाड़ी में एक नागौर में दलित समाज के एक साथी को जिंदा जलाया गया, फिर 25 अक्टूबर 2020 को खैरथल थाना इलाके के कोमपुर गांव में जो है वहां दलित समाज के व्यक्ति को सैलरी मांगने में उसको जिंदा जला दिया गया। 23 अगस्त 2022 अलवर मॉब लिंच की घटना सामने आई, यहां के रामबास गांव 20-25 लोगों ने ट्रैक्टर चोरी के शक में 45 साल के चंद्रवी लाल को पीट पीट कर मार दिया। जालौर जिला के अहोर उपखंड क्षेत्र में नीमकंठ गांव में, और सरकार कहती है, विपक्ष भी कहता है अनटचेबिलिटी यहां नहीं है, लेकिन वहां एक गांव पड़ता है साठन, वहां दूल्हे कुकर राम को जो है मंदिर में धोख देने से रोक दिया जाता है, वहां के पुजारी जी मना कर देते हैं कि इस गांव इस मंदिर में आप लोग नहीं घूम सकते हैं, और सरकार कहती है कि अनटचेबिलिटी नहीं है। घोड़ी पे बैठने पे बारात रोकने पे कितने मामले आपके सामने हैं। जालौर जिला के संतवाली गांव में लक्ष्मण मीणा की हत्या होती है, 18 महीने बाद डेड बॉडी मिलती है, एक जानवर की हत्या पे यहाँ लोग रो पड़ते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन इंसान की 18 महीने तक जो गायब रहता है उसकी हत्या पे कोई बात नहीं होती, और आज भी कोई खुलासा नहीं हुआ। हनुमानगढ़ जून 2021, जो भीम आर्मी के सदस्य थे, हनुमानगढ़ के बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर लगाने में उनकी हत्या हुई, हम लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा मनाते हैं हमेशा। 11 अगस्त 2020 को बगड़ी में मूक बाधित दलित नाबालिग के साथ धार्मिक स्थल पर दुष्कर्म हुआ, और बाड़ी में एक 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया 26 जुलाई 2022। धौलपुर के कंचनपुर थाने में रूह कपा देने वाली वारदात में कुछ निकम्मों ने दलित महिला को निवृत्त करके उसके बच्चों के सामने कैदरेट किया। अगर आजाद भारत में किसी के साथ इतना उत्पीड़न होता है और सरकार से चुप है, और मेरी बराबर में मुकेश, कैप्टन मुकेश जी बैठे हैं, उनके बेटे जो इसी सरकार में कर्मचारी हैं, हर्षादित तिवारी, सरकार के विधायक उनको जिस तरह से उनके साथ मारपीट करते हैं, वो बकायदा बयान देते हैं, वो तो जिंदा है, अगर नहीं रहते तो पता नहीं क्या होता, वो जिंदा होते बयान देते हैं कि मेरे साथ विधायक जी ने किया, विधायक जी कलेक्टर और एसपी मिलकर जो है विधायक जी का स्वागत करते हैं, और एक दिन में विधायक जी को बेल मिल जाती है, और इतने इश्यूज हैं मैं कह नहीं सकता, इतना अन्याय जो है यहाँ जारी है और सरकार चुप चपा बैठी है, इसलिए आज हम मीडिया से मुखातिब हुए कि अपनी बात करके। तो मैं समझता हूं सरकार को चाहिए मीडिया
आप सभी का धन्यवाद। उसके साथ साथ राजस्थान में लगातार मेरा आना जाना जो है वो लगा रहा। 5 बार तो मैं पिछले 1 महीने में पहुंचा, क्योंकि मैं सीएचए की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने जेल भेज दिया। फिर उसके बाद मैं रीट की लड़ाई लड़ने के लिए आया तो सरकार ने उनका आंदोलन रोक दिया। फिर उसके बाद मैं पाली के इंसिडेंट में आया, जितने तो मेघवाल की हत्या के उसमें, तो मीडिया के साथ ही इस बात को जानते हैं कि सरकार ने मुझे एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। फिर मैं उसके एक और बार आया, लेकिन इस बार मैं चुपचाप आया कि किस तरह पीड़ित परिवार से मिलूं। फिर मैं पीड़ित परिवार से मिला, लेकिन उस दिन भी सरकार ने जबरन मुझे दिल्ली वापस दे। अब जब मैं यहाँ के विषयों पर यहाँ के मीडिया के जरिए यहाँ के जनमानस तक अपनी बात नहीं पहुंचाऊंगा, तो फिर ये जो अन्याय हो रहा है इस पर सरकार खामोशी से जो रुख उख्तियार किया वो करती रहेगी। आज भी मैं आया क्योंकि यहाँ लगातार एट्रोसिटी और एट्रोसिटी से बढ़ के SC ST OBC और माइनोरिटी महिलाओं में जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर रोकथाम जरूरी। तो अपनी पिछले 2 महीने के लगभग जो हमने डाटा यहाँ से कलेक्ट किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि हालात क्या है। अभी NCRB की रिपोर्ट आई है जिसमें राजस्थान में 2020 और 21 के जो बीच में 5,310 से और 6,337 बलात्कार के सबसे अधिक मामले जो है राजस्थान में दर्ज हैं। महिलाओं के खिलाफ 40,738 अपराधों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में 2021 में दर्ज किए गए बलात्कारों के मामले में 16.4% की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB के 2021 के डाटा के मुताबिक पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा में राजस्थान का 5वां नंबर है। कुछ प्रमुख घटनाएं जो अभी वर्तमान में पिछले 2 महीने 3 महीने के अंदर हुई है मैं वो भी आपके सामने रख लूं। जैसे उदयपुर में अभी 9 सितंबर को जो घटना हुई जिसमें बड़गांव खंड में आदिवासी युवक प्रकाश बेन के दोनों पैर काटने कुचलने की खुलेआम बर्बरतापूर्ण घटना की गई और कार्रवाई के नाम पे खानापूर्ति जो है आप सबने देखी, मैंने भी दिल्ली बैठ के देखी। अभी अजमेर में 9 सितंबर को पहले जालौर उसके बाद अजमेर में एक दलित समाज के बच्चे की जो है मौत हुई, हत्या हुई, उसकी डेड बॉडी जो है वो खान में पड़ी थी और जो स्कूल स्टाफ था स्कूल बंद करके भाग गया। पाली में जो 17 मार्च 2022 की घटना है जिसमें जितेंद्र मेघवाल जो छोटे भाई से हमारे उसकी हत्या हुई है, उनका परिवार हमारे साथ बैठा, वो भी अपनी बात आपसे रखे उनके बड़े भाई। मैं जब उनके परिवार से मिलने गया वहां के शासन प्रशासन ने और वहां यहाँ की सरकार के लोगों ने विश्वास दिलाया था कि हम न्याय करने में 2 तरह का व्यवहार नहीं करते। उस परिवार की हत्या के बावजूद आज तक कोई उचित मुआवजा और जो नौकरी की बात सरकार ने की थी वो नहीं दी है। यहां तक कि सरकार ने लाइसेंस देने की बात की थी सुरक्षा के लिए, बड़े बड़े वादे किए थे, वो लाइसेंस भी नहीं दिए है। इस घटना को आप देखिए, ये मार्च की घटना है, अब तक परिवार को सुरक्षा के लिए लाइसेंस नहीं मिला, नौकरी और मुआवजा तो बहुत दूर की बात है। और प्रयास ये कह रहा है किस तरह से आरोपी बच जाए, ये सत्ता के सुदर्शन के बिना संभव नहीं है किसी प्रदेश में। आज वो मैं हमारे बीच है, वो अपने और जो समस्या पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने रखते हैं। फिर 14 अगस्त 2022 को जालौर में जो इंद्र कुमार मेघवाल के साथ हुआ, अब ये बड़ा कमाल, इतनी बड़ी घटना अनटचेबिलिटी की, अस्पष्टता की, जिसमें पूरी दुनिया में बात होगी, अगर वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक जैसा रवैया है, ये राजस्थान में काबिले तारीफ है। क्योंकि जहां सरकार के लोग उसको झुटकाने में लग रहे हैं, RSS की पत्रिका जो
इस पे लिख देते हैं झूठा मटका पान। ये इस बात को स्पष्ट करती है कि सब लोग मिलकर जो है, क्योंकि दोनों सरकारों में न्याय जारी हुआ रहा है, तो वो इसको घटना को छिपाने का काम करते हैं। यानी कि पक्ष और विपक्ष मिलकर पीड़ितों की आवाज को दबाने के लिए इसमें लगे हुए हैं। और फिर आरोपियों के पक्ष में पंचायत होना तो राजस्थान में आम बात हो गई। 36 कौम के नाम पे हम भी भारत में रहते हैं और सभी को जानते हैं, हमारा मजबूत संगठन है राजस्थान में। 36 कौम के नाम पे अपराधियों के परिवार के लोगों के जाति के लोग पंचायत कर करके जिस तरह से परिवार को डराने का काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री चयन से एक आवाज भी नहीं उठा पा रहे। तो जो दलितों की आवाज नहीं उठा सकते, आदिवासियों को पिछड़ों के लोगों की आवाज नहीं उठा सकते, महिलाओं की आवाज नहीं उठा सकते, वो भी मुख्यमंत्री दिल्ली में जाके बात करते हैं कि भाई कानून व्यवस्था लोकतंत्र की हत्या हो रही। अलवर थाना गाजी में जो घटना हुई थी, जिसमें पति के सामने 19 वर्ष से दलित महिला के साथ अन्याय हुआ, वो पहली घटना थी। उसी के बाद सरकार को चेत जाना चाहिए था कि हमें इन पर रोकथाम लगानी है, जबकि रोकथाम लगाने की बजाय उसके बाद जो घटना हुई वो साबित करते कानून व्यवस्था में राजस्थान सरकार फेल। अलवर के थाना गाजी में एक नागौर में दलित समाज के एक साथी को जिंदा जलाया गया। फिर 25 अक्टूबर 2020 को खैरथल थाना इलाके के कोमपुर गांव में जो है वहां दलित समाज के व्यक्ति को सैलरी मांगने में उसको जिंदा जला दिया गया। 23 अगस्त 2022 अलवर मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई। यहां के रामबास गांव 20-25 लोगों ने ट्रैक्टर चोरी के शक में 45 साल के चंद्रवी लाल को पीट कर मार दिया। जालौर जिला के अहोर उपखंड क्षेत्र में नीमकट गांव में, और सरकार कहती है, विपक्ष भी कहता है अनटचेबिलिटी यहां नहीं है, लेकिन वहां एक गांव पड़ता है साठन, वहां दूल्हे कुका राम को जो है मंदिर में धोख देने से रोक दिया जाता है। वहां के पुजारी जी मना कर देते हैं कि इस गांव इस मंदिर में आप लोग नहीं घुस सकते हैं, और सरकार कहती है कि अनटचेबिलिटी नहीं है। घोड़ी पे बैठने में, बारात रोकने में कितने मामले आपके सामने हैं। जालौर जिला के संतवाली गांव में लक्ष्मण मीणा की हत्या होती है, 18 महीने बाद कैद घोड़ी मिलती। एक जानवर की हत्या पे यहाँ लोग रो पड़ते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन इंसान की 18 महीने तक जो गायब रहता है उसकी हत्या पे कोई बात नहीं होती, और आज भी कोई खुलासा नहीं हुआ। हनुमानगढ़ जून 2021, जो भीम आर्मी के सदस्य थे, हनुमानगढ़ के बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर लगाने में उनकी हत्या हुई। हम लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा मनाते हैं हमेशा। 11 अगस्त 2020 को पगड़ी में मूक बाधित दलित नाबालिग के साथ धार्मिक स्थल पर दुष्कर्म हुआ, और बाड़ी में एक 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था 26 जुलाई 2022। धौलपुर के कंचनपुर थाने में रू कपा देने वाली वारदात में कुछ निकम्मों ने दलित महिला को निबद्ध करके उसके बच्चों के सामने कैदरेट किया। अगर आजाद भारत में किसी के साथ इतना उत्पीड़न होता है और सरकार से चुप है, और मेरी बराबर में मुकेश, कैप्टन मुकेश जी बैठे हुए, उनके बेटे जो इसी सरकार में कर्मचारी हैं, हर्षा जी की बात भी, सरकार के विधायक उनको जिस तरह से उनके साथ मारपीट करते हैं, वो बकायदा बयान देते, वो तो जिंदा है, अगर नहीं रहते तो पता नहीं क्या होता। वो जिंदा होते बयान देते हैं कि मेरे साथ विधायक जी ने किया, विधायक जी कलेक्टर और एसपी मिलकर जो है विधायक जी का स्वागत करते हैं, और एक दिन में विधायक जी को बेल मिल जाती है, और इतने इश्यूज हैं मैं कह नहीं सकता। इतना अन्याय जो है यहाँ जारी है और सरकार चुप चपाए बैठी है, इसलिए आज हम मीडिया से मुखातिब हुए कि अपनी बात करके। तो मैं समझता हूं सरकार को चाहिए ये वो तो मैं बता रहा हूँ कितना अन्याय, इतना अन्याय कि आप लोग अपनी बातें करने लगे कि ये तो रोज का काम है यहाँ।